दरअसल आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह निष्क्रियता दिखाती है कि नार्वेकर असंवैधानिक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी राजनीतिक दल के कुछ विधायकों के दूसरे दल में जाने का मतलब विभाजन नहीं है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में समय बर्बाद कर रहे हैं, वह राज्य में असंवैधानिक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री शिंदे और कुछ कैबिनेट मंत्रियों सहित अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। उन्होंने महाराष्ट्र में चीनी मिलों को नियंत्रित करने वाले मंत्रियों और नेताओं पर भी निशाना साधा। संजय राउत ने दावा किया, वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही कुछ चीनी मिलों को नियंत्रित करने वाले मंत्री अपनी वफादारी छोड़कर राज्य सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से राहत पाने के लिए ऐसा किया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया, राधाकृष्ण विखे पाटिल जो भाजपा से राज्य के राजस्व मंत्री हैं, उनके द्वारा नियंत्रित पवरा चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है, जबकि राहुल कुल जो भाजपा विधायक हैं, उनके द्वारा नियंत्रित चीनी मिल पर 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है। यहां तक कि जरंदेश्वर चीनी मिल पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ा भी मामला कुछ ऐसा ही है।